अस्सलाम वालेकुम गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही मजेदार सी रेसिपी लेके। तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी फिश ग्रेवी की रेसिपी, जो बहुत ही सिंपल और बहुत ही झटपट से बन जाती है और बहुत ही मजेदार बनती है। तो फिश कड़ी बनाने के लिए मैं ले ली तकरीबन 1 किलो के करीब फिश, इसको मैं साफ कर ली धो के। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर देती नमक 1 टीस्पून के करीब, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। तो फिर इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी हल्दी 1 टीस्पून के करीब। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी एक अंडा। अंडा ऐड करने के बाद मैं इसको तो अच्छे तरीके से कर लूंगी मिक्स। मिक्स करने के बाद मैं इसको हल्का सा फ्राई कर लूंगी। आप चाहे तो इसको रख सकते 10-5 मिनट, पर मैं फौरन से इसको फ्राई कर लूंगी। तो यहाँ पे मैं कर देती इसको मिक्स। तो ये तो अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी है। और मैं ले ली थी फिर एक कढ़ाई, इसको होने दी थी मैं गरम। कढ़ाई गरम हो चुकी थी, फिर इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दी थी तेल। अब मैं होने दूंगी तेल को हल्का सा गरम। अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी फिश। फिश ऐड करने के बाद इसको हल्का सा गोल्डन होने तक इसको कर लूंगी फ्राई एकदम अच्छे तरीके से। जब तक कि फिश यहाँ पे हो रही है फ्राई, हम अपना तैयार कर लेंगे मसाला। तो उसके लिए मैं ले ली थी एक मिक्सर का जार। इसके अंदर मैं ऐड कर दी थी खोपरा, मिर्ची, लहसुन और अदरक और टमाटर। में ली थी 2 मीडियम साइज के, बहुत ज्यादा नहीं ली थी। उसके बाद मैं इसको एकदम बारीक से पीस लूंगी। फिर इसके बाद मैं इसी के अंदर ऐड कर दूंगी प्याज, तकरीबन मैं 3 से 4 ली थी। उसको भी मैं पीस लूंगी एकदम बारीक से, इसका भी मैं पेस्ट बनाकर तैयार कर लूंगी। और मैं सारी फिश कर ली थी फ्राई और वही तेल में ले ली थी एक पतीली में। फिर तेल हो गया था हल्का सा गर्म, फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दी थी वो सारा मसाला जो हम पीसे थे। वो ऐड करने के बाद मैं अच्छे तरीके से मसाले को भून लेती हल्का सा, ताकि जो भी इसका कच्चापन है खत्म हो जाए प्याज का और टमाटर का। उसको तकरीबन मैं 1 से 2 मिनट के लिए तो अच्छे से मसाला डाल के भून ली थी। यहाँ पे मैं ले ली थी कुछ मसाले, 1 टेबल स्पून था भूकी लाल मिर्ची, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून थी हल्दी। फिर उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दी वो मसाले। फिर ये मसाले ऐड करने के बाद मैं इसको फिर से तो अच्छे से कर ली थी मिक्स, ताकि जो मसाला है तो अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद मैं इसको भी तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए भून ली थी, ताकि इसका भी जो भी कच्चा पानी खत्म हो जाए। कच्चा मसाला बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दी थी फिश मसाला अच्छे से भूनने के बाद। फिश ऐड करने के बाद मैं इसको फिश के साथ अच्छे से मसाले को मिक्स कर ली थी, ताकि जो फिश में है मसाला अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दी थी पानी। में पानी ली थी तकरीबन 1 ग्लास के करीब, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। फिर पानी ऐड करने के बाद मैं इसको फिर से कर ली थी मिक्स। करने के बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दी थी बारीक कटी हुई कोथमीर, और उससे पहले मैं ऐड करी थी गरम मसाला, जिसकी वीडियो लेने में भूल गई थी। तो उसके बाद मैं इसको कोथमीर डाल के कर ली थी मिक्स, और मैं तकरीबन इसको 15 मिनट तक पकाई थी तो अच्छे से सालन को धीमी आंच पे, ताकि जो सालन अच्छे से पक जाए। और मेरी ये फिश ग्रेवी रेसिपी तैयार है। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।